बताते हैं ना, काई नहीं कर पाए। देखिए, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन था, पर फिर भी नहीं हुआ। 2 मिनट ले गया, उसके बाद भी गलत हो गया क्वेश्चन। तो अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो क्या था क्वेश्चन में। इसको 18 को 6 × 3 लिख दीजिए, ठीक है। 7.9 इंटू ये वाली 0.1 की पावर और 0.1 की पावर, ये भी 3 है, ये भी 6 है, ये ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। ऐड होने पे क्या बन जाएगा, 6 × 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए, उस साइड हमारे पास क्या है, ये डिवाइड में डिवाइड का साइन है, 3 की पावर 4 × 6 की पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू 6 × 3। इस 18 को 6 × 3 लिख दो और इसकी पावर x ले लो। हो गया क्वेश्चन। 4 4 ये -4 हो जाएगा, ये आ गई 4, यानी कि 6 × 3 की पावर 4। इसका मतलब ये क्या आंसर आ जाएगा, 4। x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है, पर पेपर के टाइम हमारा दिमाग कहीं और रहता है। मतलब हमें छोटा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा लगता है, उसकी एक हाइप क्रिएट हो जाती है हमारे दिमाग में। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, मुझे 2 मिनट लग गई, उसके बाद भी ये क्वेश्चन गलत हो गया। मेरा दोस्त जो बैंक की तैयारी भी नहीं कर रहा, उसने ये क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर बता दिया कि 4 आएगा। उसने डायरेक्ट यहीं पे इन दोनों को इसमें ऐड कर दिया, ये देखकर। ऐड करने के बाद डायरेक्ट उसने 4 की पावर 4 माइनस कर दी, मतलब 8 में से 4 माइनस कर दी पावर, तो क्या आ गया, 4 आ गया। अब ये जो 4 आया, यही इस 18 की पावर 4 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आप भी ध्यान रखिए, मतलब अगर पेपर देने के लिए जाते हैं तो ये गलती मत कीजिए जो मैंने की। ये 12 दिसंबर का पेपर था, शिफ्ट 1 का। हालांकि मैंने मॉक टेस्ट ही दिया, पर मुझे बहुत गलत लगी ये चीज, क्योंकि 2 मिनट एक सिंप्लीफिकेशन को देना बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद भी आप गलत कर देते हैं, तो इससे अच्छा तो छोड़ दीजिए। तो सर ने बोला भी था, फिर भी अब मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू।